फिल्म 102 नॉट आउट ने बना रखा है दूसरे हफ्ते पर भी अपना कमाल। हाल ही में रिलीज फिल्मों को भी दे रही है बराबर की टक्कर। जानिए क्या है इस फिल्म की 9th डे कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, चैनल PMS मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। 27 साल के बाद एक साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को फिल्म 102 नॉट आउट में बहुत पसंद किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन जहां इस फिल्म में एक मस्तमौला किस्म के इंसान की भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं ऋषि कपूर का किरदार एक ऐसे बेटे का है जिसने अपने बुढ़ापे को मान लिया है। 102 साल के अमिताभ बच्चन और 75 साल के ऋषि कपूर बेहद कमाल लग रहे हैं। एक्शन और ड्रामा के दौर में ये फिल्म पारिवारिक वैल्यूज को बताते हुए बेहद हटके स्टोरी पर बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें अमिताभ बच्चन एक चीन के व्यक्ति की उम्र का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और एक दिन अचानक से अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला करते हैं। इसके बाद इस फनी स्टोरी में थोड़ा सा इमोशनल टर्न आता है। अब इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए तो आपको सिनेमा घरों का रुख करना ही पड़ेगा। हमारे पास इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है जिसके नतीजे वाकई चौंका देने वाले हैं। अपनी रिलीज के 9वें दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा रही है। जहां एक तरफ इस फिल्म की रिलीज राजकुमार राव की ओमेटा के साथ हुई थी, वहीं हाल फिलहाल शुक्रवार को आलिया भट्ट की फिल्म राजी भी रिलीज हो गई है। लेकिन इन फिल्मों की रिलीज का और पर्दे पर होने का फिल्म 102 नॉट आउट पर कोई खास असर नहीं पड़ पाया है। 102 नॉट आउट ने अपना जलवा बरकरार किए हुए है। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की मान ली जाए तो इस फिल्म ने अभी तक तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जो अभी भी जारी है। इस कॉमेडी और पारिवारिक वैल्यू वाली फिल्म को यदि अभी तक आप देख नहीं पाए हैं तो इसे देखने जरूर जाइएगा और इसके बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए दीजिए बॉक्स ऑफिस की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।